फैमिली फूड एलिमेंट के साथ मैं हूँ फायजा तंसीर। आई होप आप सब कैरियर से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी फिंगर स्टिक, जो कि बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। फिंगर स्टिक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन ब्रेस्ट ले लिया हमने एक अदर, बोनलेस चिकन लिया हमने, मैदा ले लेंगे 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ले लेंगे कॉर्नफ्लावर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, अंडा लेंगे एक अदर, नमक लेंगे हंसते जायका, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लेंगे सोया सॉस। सबसे पहले हम चिकन को फिंगर्स की शक्ल में काट लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। ये देखें, हमने इस शेप में काट लेना है, ना ज्यादा पतला रखना है ना ज्यादा मोटा। इसी तरह से हम सारी काट लेंगे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होता, बच्चे बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। आप इसे बच्चे को लंच में भी बना के दे सकते हैं, आप इसे बनाकर फ्रीजर भी कर सकते हैं। जब बच्चे ने स्कूल जाना हो तो ये फोटो रेडी हो जाते हैं, तो हमने फ्राई करना है। ये देखिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये देखें, 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे मैदा डालेंगे और कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। मैदा और कॉर्नफ्लावर को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन को कोट करेंगे। ये देखें, एक ट्रे पे हमने रैपिंग शीट लगा ली है, ताकि जब हम इसे फ्रीज करें तो उसके बाद ये ट्रे पे चिपके नहीं। मैदे में हमने अच्छे से कोट कर लेना है, इसकी हमने डबल कोटिंग नहीं करनी। हम सारे फिंगर्स के तैयार कर लेंगे। इसे प्रेस कर करके इसको आपने कोट कर लिया। ये देखें, सारी फिंगर स्टिक को हमने अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे
ऑयल हमने गरम होने रख दिया है। देखें ऑयल हमने गरम कर लिया है, फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर देना है और फिंगर स्टिक इस तरह से इसमें डालते जाएंगे। इसको हमने बिल्कुल स्लो हीट पे पकाना है ताकि ऊपर से जले नहीं और अंदर से अच्छे से पक जाए। देखें सारी फिंगर स्टिक हमने इस तरह से इसमें डाल दिए। अब हम इसे एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो किया हुआ है। आप इस तरह से बना के फ्रीजर में रख सकते हैं और जब ये फ्रीज हो जाए तो आप इसको जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं। ये देखें एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए फिंगर स्टिक दोनों साइडों से लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए तैयार है बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फिंगर स्टिक। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को लंच में बना कर दें। आप इसे इवनिंग स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।